Good morning, everyone, and a warm welcome. I'm Dr. Kausa from Medical Affairs Oncology Team, Dr. Reddy's. Today we'll be talking about multiple myeloma. Multiple myeloma के बारे में हमें बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर दीपक सिंगला, जो कि हेमटो ऑन्कोलॉजिस्ट है पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ से. गुड मॉर्निंग सर, एंड वेलकम सर. Yes, good morning to all. Yes, thank you. Sir, can you tell us what is multiple myeloma and what are the causes? See, multiple myeloma की अगर हम बात करें, multiple myeloma एक तरह का जो ब्लड कैंसर है, जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा सेल्स से उत्पन्न होता है. जब इनकी प्रोलिफरेशन प्लाज्मा सेल्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो एक ये एक तरह का कैंसर में परिवर्तन हो जाता है, और जिसको कि मल्टीपल माइलोमा कहते हैं. इसका कोई कारण नहीं होता, तरह तरह की कोई भी म्यूटेशन होती है, काफी तरह की म्यूटेशंस होती हैं, और ये इसका कोई स्पेसिफिक कारण आज तक हमें पता नहीं है. और किसी भी तरह का, जैसे अन्य ब्लड कैंसर की तरह, ये भी एक तरह से कोई भी म्यूटेशन के कारण से ये हो सकता है, किसी को भी हो सकता है मल्टीपल माइलोमा. सर, ये कितना कॉमन है सर इंडिया में, और कौन से एज ग्रुप में कॉमन है? देखिए, ये जनरली एल्डरली एज ग्रुप के अंदर है, और ज्यादा अधिकतर पेशेंट जो होते हैं 50-55 साल से ऊपर की उम्र में भी होते हैं, लेकिन ये आजकल कई बहुत कम परसेंटेज में युवाओं में भी पाया जाता है. अच्छा सर, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है सर, और कौन से ज्यादा कंप्लेंट्स आ रहे हैं? देखिए, इसके साइन एंड सिम्टम जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि ये प्लाज्मा सेल्स का डिसऑर्डर है, प्लाज्मा सेल्स का कैंसर है. जो प्लाज्मा सेल्स हमारे जो होते हैं, वो इम्यूनिटी बढ़ाने में हमारी योगदान करते हैं, शरीर की इम्यूनिटी, ताकि हमें इन्फेक्शंस ना हो. जब ये इनका प्लाज्मा सेल का जब डिसफंक्शन हो जाता है, जब ये फंक्शन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शंस होती हैं, नंबर एक. और पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड अनीमिया होना शुरू हो जाता है, अनीमिया जिसका कोई कारण नहीं पता लग जाता, और कैल्शियम का बढ़ना, एक तरह से बहुत ज्यादा कैल्शियम बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि बोन का है डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल्स के द्वारा, और ये कैल्शियम जाके किडनी पे डिपॉजिट हो जाता है, और किडनी फेलियर भी कर देता है. तो बेसिकली इसके तीन चार साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अनीमिया होना, कैल्शियम का बढ़ जाना, किडनी का फेल हो जाना और बिना किसी कारण के, और बार बार इन्फेक्शन होना. ये इसके तीन तीन चार ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. अच्छा सर, ये कौन कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम बोन? ये सबसे पहले बोन्स को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है. सबसे पहले पेशेंट जो प्रेजेंट करता है, तकरीबन वो बोन पेन करके प्रेजेंट करता है कि डॉक्टर साहब, मेरे को बोन पेन हो रहा है, और जबकि मेरे को कहीं पे कोई दर्द नहीं हो, जबकि मेरे को कोई चोट नहीं लगी है, मेरे को कोई ट्रॉमा का हिस्ट्री नहीं है, लेकिन मेरे को फिर भी बोन पेन हो रहा है. तो बोन पेन जो होता है, पहले हमको सबसे पहले जो कंप्लेंट लेकर तकरीबन पेशेंट आता है, जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तब हम उसको पता लगता है कि भैया, इसमें मल्टीपल माइलोमा होने के चांसेस हैं. बोन पेन एक सब. हाँ, और कई बार पेशेंट कई बार पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर लेके प्रेजेंट करता है कि मरीज कहता है कि मैंने डॉक्टर साहब एक जस्ट 2 किलो का थैला ही उठाया था, लेकिन मेरी फिर भी हड्डी टूट गया. ठीक है, जो कि फ्रैक्चर करने के, किसी भी बोन को फ्रैक्चर होने के लिए एक सिग्निफिकेंट ट्रामा होने की जरूरत होती है, लेकिन इसमें इस बीमारी के अंदर पेशेंट को फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, बिना किसी चोट के, बिना किसी सिग्निफिकेंट वेलोसिटी की ट्रॉमा से. सो और कोई ऑर्गन्स इफेक्ट होता है सर? जी हाँ, इसमें बेसिकली मैंने जैसे बताया बोन्स होता है, इसमें किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, किडनी फेलियर हो जाता है इसके अंदर, और क्या कहते हैं, बार बार, और उसमें लंग्स की भी बार बार इन्फेक्शन हो जाती है, लंग्स के अंदर निमोनिया हो सकता है. ये बेसिकली सिस्टमिक डिसऑर्डर है, इसके अंदर बॉडी का कोई भी ऑर्गन इफेक्ट हो सकता है. अच्छा सर, इसको कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? देखिए, इसको डायग्नोज जैसे भी कोई भी ल्यूकेमिया को डायग्नोज करने के लिए अपने फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री लेनी पड़ता है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना पड़ता है, फिजिकल एग्जामिनेशंस करना पड़ता है, और उसके बाद में हमारे पास
जो इसका जो डेफिनेटिव टेस्ट है हम इसको बोन मैरो से करते हैं। बोन मैरो के अंदर हम प्लाज्मा सेल्स की नंबर देखते हैं जो कि ओपीडी ओपीडी बेस का प्रोसीजर होता है। और इसके अलावा हम काफी तरह के मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं, जेनेटिक टेस्ट करते हैं किस प्रकार की जेनेटिक डिलीशन है इसके अंदर, और हम कई प्रकार के ब्लड के टेस्ट करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं जिसके अंदर की हम जिसके अंदर की जो कि ग्लोबुलिन होते हैं जो कि हमारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं उसका क्वांटिफिकेशन भी पता लग जाता है। लेकिन सबसे अहम टेस्ट जो होता है इसके अंदर बोन मैरो होता है जिसकी बोन मैरो के बेस पे ही हम इसको बेसिकली डायग्नोस करते हैं। क्या सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट जरूरी है सर? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मल्टीपल माइलोमा के अंदर देखिए मल्टीपल माइलोमा के अंदर पेशेंट को ट्रीटमेंट की सभी पेशेंटों को तकरीबन तकरीबन जरूरत पड़ती है। और इसको जनरली हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं पेशेंट्स को, ट्रांसप्लांटेबल कैंडिडेट और नॉन ट्रांसप्लांटेबल कैंडिडेट। जो कि जो व्यक्ति फिट नहीं है या 60 साल से 60 या 65 साल से ऊपर है उनको हम नॉन ट्रांसप्लांटेबल कैंडिडेट मानते हैं। और जो इससे नीचे हैं और फिट लोग हैं, ये युवा में हैं, 45-50 साल के लोग हैं, 55 साल के लोग हैं, उनको हम ट्रांसप्लांट कैंडिडेट मानते हैं ताकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इनका किया जा सके। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत बहुत सिंपल ट्रीटमेंट होता है। ट्रांसप्लांट से पहले या जब ट्रांसप्लांट जिसको नहीं भी करना है उसका वीकली बेसिस पे दवाई चलती है, ओपीडी बेसिस पे पेशेंट आता है और उसको हर दो दो तीन तीन महीने के बाद में क्या कहते हैं हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं और हर वीकली बेसिस पे हम उसको दवाई देते रहते हैं। जब पूरी तरह से प्लाज्मा सेल्स गायब हो जाते हैं या 5% से नीचे रह जाते हैं बोन मैरो के अंदर, उसके बाद हम पेशेंट को मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल देते हैं या जो ट्रांसप्लांट जो ट्रांसप्लांट के कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रांसप्लांट के लिए ले लिया जाता है। अच्छा सर, ये क्या क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज है सर मेडिकल में? देखिए इसके अंदर इसके कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी दिया जाता है, एक दवाई नहीं दिया जाता है। इसके अंदर पहले तो बोन डायरेक्टेड थेरेपी दिया जाता है। बोन डायरेक्टेड थेरेपी भी कई तरह से उसको देखा जाता है कि बोन के अंदर उसको क्या क्या प्रॉब्लम है। यदि किसी को फ्रैक्चर होता है बोन का तो पहले उसकी बोन्स को फिक्स किया जाता है। यदि उसको पेन को रिट्रैक्टेबल पेन होता है तो हम थोड़ी डोज के अंदर उसको रेडिएशन भी देते हैं या हम बोन्स को मजबूत करने के लिए हम महीने के अंदर एक इंजेक्शन भी देते हैं। तो एक तो नंबर एक तो बोन डायरेक्टेड थेरेपी होती है, बाकी उसके अलावा माइलोमा डायरेक्टेड थेरेपी होती है जिसके अंदर की जो कि कॉम्बिनेशन है कई की तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर कीमोथेरेपी भी देते हैं, स्टीरॉयड का भी काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है और टारगेटेड थेरेपी का भी इसमें रोल रहता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन हम देते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। इसके अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल हैं लेकिन आजकल हम वीकली बेसिस पे तकरीबन पेशेंटों को वीकली बेसिस पे ही देते हैं। और इसकी थेरेपी को हमेशा टेलर किया जाता है, ऐसा नहीं है कि एक ब्लैंकेट थेरेपी ही हम सभी को देते हैं। तो पेशेंट की क्या कॉमोर्बिडिटी प्रोफाइल है, बाकी पेशेंट का बेसलाइन फंक्शंस कैसा है, तो उस हिसाब से दवाइयों को मॉडिफाई किया जाता है। अच्छा सर, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होता है क्या सर और इसमें क्या क्या टाइप्स हैं? देखिए इसके अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली ये तीन चार प्रकार का होता है, लेकिन इसके अंदर जो मल्टीपल माइलोमा के अंदर जो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है उसको ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसमें कि रोगी के खुद के शरीर के ही स्टेम सेल लेके और उन्हीं को ही दोबारा से इंजेक्ट किया जाता है। तो बेसिकली इसको अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट को हम बोले तो इसको हम हाई डोज कीमोथेरेपी भी बोलते हैं। हाई डोज उसके अंदर क्या होता है कि जब पेशेंट के प्लाज्मा सेल्स काफी जब मल्टीपल माइलोमा रिमिशन में चला जाता है तो पेशेंट को एडमिट करके एक हाई डोज कीमोथेरेपी दी जाती है। डिपेंड करता है, तकरीबन हम मेलफ्लान की दवाई देते हैं, हाई डोज दिया जाता है, लेकिन उससे पहले पेशेंट को स्टेम सेल निकाल लिए जाते हैं और हाई डोज कीमोथेरेपी देने के बाद में पेशेंट को उसके 24 घंटे के बाद में वो जो स्टेम सेल लिए होते हैं उनको दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद में उनकी नॉर्मल मैरो हफ्ते से 10 दिन के अंदर उसकी नॉर्मल मैरो जो है फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा सर, आपने तो इस प्रोसेस के अंदर तकरीबन 2 या 3 हफ्ते लग जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कीमोथेरेपी भी देते हैं, उसको कितना वक्त लगता है सर ड्यूरेशन ट्रीटमेंट? नहीं, वही देखिए ना, तकरीबन पेशेंट को 3 से 6 महीने का ट्रीटमेंट देने के बाद ही दवा बीमारी को पूरा कंट्रोल हम कर पाते हैं तकरीबन। अच्छा,
अपने फॉलोअप के बारे में भी बोला, मॉनिटर ये कितना वक्त तक करते हैं, कितना फ्रीक्वेंसी पे ना, करते हैं। नहीं देखिए, उसके बाद हम जब हम पूरी तरह थेरेपी दे लेते हैं, यदि पेशेंट ट्रांसप्लांट के योग्य नहीं है या ट्रांसप्लांट एलिजिबल नहीं है तो उसको हम मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल देते हैं, उसको पेशेंट को उसमें हम एक एक महीने के बाद में हम बुलाते रहते हैं। अच्छा, ये इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो सकता है सर विद करंट मल्टीपल में? देखिए, इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है इसकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपने क्या ट्रीटमेंट का मॉडलिटी दिया है, ठीक है, इसके अंदर से। लेकिन तकरीबन, और जो जिनको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं उसके अंदर व्यक्ति को कम से कम भी 8-10 साल तक का 8-10 साल तक बड़े आराम से वो जीवन व्यतीत कर सकता है। और इवन जो ट्रांसप्लांट के नहीं होते कैंडिडेट, उनको भी हम मेंटेनेंस थेरेपी पे और इन पे कीमोथेरेपी पे भी काफी हद तक 5-6 साल तक बड़े आराम से पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है और उनका कम से कम 5-6 साल का लाइफ हम बढ़ा सकते हैं कम से कम। से कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? देखिए, मैं पब्लिक को भी और जो मेरे जो जो दोस्त हैं जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं या मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं या ऑर्थोपेडिशियन हैं, देखिए, अनएक्सपेक्टेड अगर किसी को बोन फ्रैक्चर हो रहा है, किसी पेशेंट को रीनल फेलियर प्लस अनीमिया हो रहा है, तो उसके अंदर आप प्लीज मल्टीपल माइलोमा का नामक बीमारी का भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये कई बार ये बीमारी जो होती है सिर्फ पेरिफेरल स्मियर पे ही भी पर भी पकड़ी जा सकती है। तो यदि कोई भी पेशेंट जिसको अनएक्सप्लेन फ्रैक्चर हो रहा है, बिना बात के छोटे से मतलब 2 किलो का थैला उठाने से फ्रैक्चर हो रहा है, तो मल्टीपल माइलोमा की बीमारी को हमेशा अपने को मद्देनजर में रखना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी को जितना जल्दी हम पकड़ेंगे और उतना पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम रहते हैं। यदि हम पेशेंट मल्टीपल बोन फ्रैक्चर करके लेके आता है तो उसको उतना ट्रीटमेंट करने में उसको उतनी कठिनाई होती है, उसमें उसका एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। यदि हम पेशेंट को अर्ली स्टेज पे पकड़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट हम ओपीडी बेस पे भी कर सकते हैं। मैं यही देना चाहूंगा कि मल्टीपल माइलोमा जबकि एक बहुत रेयर बीमारी है, लेकिन आजकल हमारे भारत के अंदर जैसे कि डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज बहुत अच्छी बढ़ गई हैं, तो इस बीमारी को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि किसी पेशेंट को अनीमिया हो रहा है, रीनल फेलियर हो रहा है और अनएक्सप्लेन बोन पेन हो रहा है या बोन फ्रैक्चर हो रहा है, तो ये मल्टीपल माइलोमा के लक्षण हो सकते हैं। तो कृपया उसके दौरान आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट से जल्दी कंसल्ट करें और आप यकीन मानेंगे कि इसका ट्रीटमेंट कुछ ज़्यादा महंगा नहीं रह गया है आज की डेट के अंदर। शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें मल्टीपल मायलोमा के बारे में जानकारी दी। शुक्रिया धन्यवाद सर, डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।